वैसे तो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में कई सारे दिग्गज संगीतकार हैं, जो अपनी आवाज से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी खुद की पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम एक ऐसे संगीतकार के बारे में जानेंगे जिन्हें सिर्फ संगीतकार कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वह एक संगीतकार के साथ साथ गीतकार, म्यूजिक कंपोजर एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है, जो सिर्फ अपने पहले गाने से ही कामयाब रहे अपनी पहचान म्यूजिक इंडस्ट्री में बनाने में। वह भी तब जब आज के मुकाबले में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा नहीं थे। मैं बात करने जा रहा हूँ बिलाल सईद की। बिलाल सईद, जिनका पूरा नाम है मोहम्मद बिलाल सईद। बिलाल सईद का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ, सियालकोट शहर में, 12 दिसंबर 1988 को। बिलाल सईद ने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई लाहौर के एक स्कूल से पूरी की है। बिलाल को गाना गाने का शौक शुरू से ही था। अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत बिलाल सईद ने साल 2011 में करी थी सॉन्ग 12 साल से, जिसके रिलीज होते ही वह एक जाना माना नाम बन चुके थे उन लोगों के बीच जो रेगुलरली पंजाबी म्यूजिक को फॉलो करते थे। फिर साल 2012 में बिलाल सईद ने अपना नया सिंगल ट्रैक रिलीज करा, माही माही। साल 2012 में ही बिलाल सईद ने अपनी डेब्यू एल्बम भी रिलीज करी 12, जिसने 2 नॉमिनेशन भी रिसीव करे थे पीटीसी पंजाबी म्यूजिक अवार्ड में फॉर बेस्ट नॉन रेजिडेंट पंजाबी एल्बम एंड बेस्ट नॉन रेजिडेंट पंजाबी वोकलिस्ट। एल्बम का ही एक ट्रैक था खैर मंगदी, जो कि 2014 के 13th लक्स स्टाइल अवार्ड में नॉमिनेट किया गया एज द सॉन्ग ऑफ द ईयर, जिसको दोबारा से भी रिक्रिएट किया गया था करण जौहर की बॉलीवुड मूवी बार बार देखो के लिए साल 2016 में। साल 2013 में ऐसा पहली बार हुआ था जब बिलाल सईद ने किसी मूवी के लिए गाने रिकॉर्ड करे थे, जो कि थे तोबा तोबा एंड राता चिटिया, 2013 की पंजाबी मूवी डैडी कूल मुंडे फूल के लिए। साल 2014 में दिसंबर के महीने में पेशावर के एक स्कूल एपीएस स्कूल पर एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें कई मासूम बच्चों, अध्यापकों एंड स्टाफ के बाकी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस इंसिडेंट के बाद बिलाल सईद ने अपनी तरफ से उन सभी लोगों को ट्रिब्यूट देने के लिए एक ट्रैक बनाया, मान उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। साल 2014 में ही एक सिंगल ट्रैक लेथल कॉम्बिनेशन बिलाल सईद ने रोज किला के साथ बनाया था, जिसने बीबीसी एशियन चार्ट्स में अपनी जगह बनाई थी। साल 2015 में बिलाल सईद ने अपना बॉलीवुड डेब्यू करा, 2015 की बॉलीवुड मूवी इश्क दरिया के लिए टाइटल ट्रैक बना के जीत गांगुली एंड जयदेव कुमार के साथ। वहीं साल 2016 में सितंबर के महीने में उन्होंने अपना लॉलीवुड डेब्यू करा पाकिस्तानी फिल्म जिंदगी कितनी हसीन है से मूवी के लिए एक सॉन्ग कंपोज करके चुलबुल। साल 2017 में बिलाल सईद ने अपना नया ट्रैक रिलीज करा बोहिमिया के साथ नो मेकअप, जिसके बाद उन्होंने ट्विंकल ट्विंकल रिलीज करा यंग देसी के साथ एंड नवंबर में सुरू रिलीज करा नेहा कक्कड़ के साथ। और भी ऐसे कई ट्रैक्स हैं जो उन्होंने रिलीज करे हैं टाइम टू टाइम। बिलाल सईद का लेटेस्ट ट्रैक बारी है, जिसने इंटरनेट पर अपनी धूम मचा रखी है। अभी ऐसे और भी सॉन्ग्स हैं जो हमें बिलाल सईद से सुनने को मिलेंगे समय समय पर, और वह अपने गानों से हमें और भी एंटरटेन करते रहेंगे।